हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड। देखिए, ये आईवी फ्लूइड क्या होता है? इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। इसमें डेफिनेशन क्या होती है आईवी फ्लूइड की? जो इसमें इंट्रावेनस है, इसका मतलब होता है कि हमें इंट्रावेनस फ्लूइड ड्रॉप इसमें देना होता है। एक सॉल्यूशन होता है जिसमें बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उसको हमें एडमिनिस्टर्ड मतलब लगाना होता है वेनस सर्कुलेशन में। जो इंटरवेनस थेरेपी है, इसमें क्या करते हैं, हम एक नीडल या कैथेटर या कैनूला ले सकते हैं, उसे वीन में इंसर्ट करते हैं। ये एक फिजिशियन जो होता है वही करता है। इसे जो नीडल है वो स्टराइल होनी चाहिए और फ्लूड जो है वो धीरे धीरे जाना चाहिए आईवी फ्लूड में। इंडिकेशन कहाँ कहाँ आपको आईवी फ्लूड करना है, इसमें आप जो इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, रिस्टोरेशन कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें आप मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कीमोथेरेपी टू कैंसर पेशेंट और एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ये सब इसमें कर सकते हैं आप। टाइप ऑफ फ्लूड कौन कौन से होते हैं? तो इसमें तीन टाइप के होते हैं, कोलॉइड, क्रिस्टलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट। कोलॉइड जो होता है, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन में, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं। जब हम ये इन्फ्यूज करते हैं वेन में, तो ये आपके इंट्रा वेन वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहते हैं, ये इंट्रा वेस्कुलर में नहीं जाते हैं, मतलब ये सेल में नहीं जाएंगे आपके। और ये आपका जो फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में रहेगा, हायर ऑनकोटिक प्रेशर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड में क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाता है और जो ब्लड स्ट्रीम में भी फिर चला जाएगा ये सेल्स में और बॉडी टिश्यूज में भी जाता है। ये फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है इंटरस्टीशियल में भी और इंट्रावेस्कुलर में भी। मतलब क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर होता है सेल के अंदर और इंटरवेस्कुलर होता है दो सेल या तीन सेल के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरस्टीशियल उसे ही कहते हैं हम। ये हमने तीन टाइप्स में बांटा है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक फ्लूइड जो है, इसमें हम सॉल्यूशन को आइसोटोनिक मानते हैं जब कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट का वो प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा, वहीं रहेगा जहां रहना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में रहेगा, जिसकी वजह से इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक फ्लूइड। यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के टाइप्स बता रखे हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड लैक्टेट रिंगल सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर और रिंगल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूट की, जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और ऑस्मोलैलिटी 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम होगी। हाइपोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो होता है, ये सीरम, जो प्लाज्मा सीरम है, उसकी ऑस्मोलैलिटी से कम होता है, किसमें, वेस्कुलर स्पेस में, जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है उसमें। और ये क्या करता है, फ्लूइड को इंट्रावेस्कुलर स्पेस से, मतलब इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू बोथ द इंट्रासेलुलर इंटरस्टीशियल स्पेस, जो मतलब सेल के अंदर फ्लूइड है उसे बाहर लाता है इंट्रासेलुलर में भी और इंटरस्टीशियल स्पेस में भी। ये जो सॉल्यूशन है, ये सेल को हाइड्रेट करता है, हालांकि मतलब इसका जो यूज है हम नहीं करते हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिप्लीट करता है फ्लूइड। जो टाइप्स बताए हाइपोटोनिक फ्लूइड के, उसमें 0.45% NaCl बताया है, 0.33% सोडियम क्लोराइड बताया है, 0.2% NaCl, 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर बताया है। हाइपोटोनिक फ्लूइड को हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हो रहा हो या हाइपरनेट्रीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। नेक्स्ट इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक से समझ में आ रहा है कि जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, मतलब आपका सॉल्यूट का प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी से, ठीक है। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसकी जो 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा ही होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉ करेगा, मतलब वाटर आउट होगा इंट्रासेलुलर स्पेस से और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंडर होगा।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के यहाँ पे एग्जांपल बताएं, 3% NaCl, ये हम सीजन हाइपोनेट्रीमा में देते हैं, सेरिबल एडिमा में देते हैं, 5% डेक्ट्रोज जोमेक्सलाइन। यहाँ पे देखिए हम मेंटेनेंस डोजेस को कैलकुलेट करते हैं, 4-to-1 रूल टू कैलकुलेट आर्ली रेट। 1 आर में हमें पर्सन को 4 ml पर kg देना होता है फॉर फर्स्ट 10 kg, 2 ml पर kg हमें नेक्स्ट 10 kg में देना होता है, मतलब 10 kg के लिए हो गया, फिर 10-to-20 kg के लिए हमें 2 ml पर kg, फिर 20 से अगर ज़्यादा है जितना भी होगा उसमें 1 ml पर kg हमें देना है। ऐसे 100-50-20 रूल बताया यहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट के लिए। तो 1 डे में आपको क्या देना है, फर्स्ट 10 kg, अगर कोई इंसान 50 kg का है तो उसमें 10 kg हमें 100 ml पर kg देना है, फिर 10-20 ml में 50 ml पर kg देना है, और 20-50 kg तक हमें 20 ml पर kg के हिसाब से लगाना है। तो ऐसे इसे कैलकुलेट करते हैं। मेंटेनेंस फ्लूड क्या है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्लूड पर डे, अगर 0-10 है तो 100 ml पर kg, 11-20 kg है तो 1000 ml, 50 ml पर kg फॉर ईच kg मोर देन 10 kg, अगर 20 kg से ज़्यादा है तो 1500 ml देना है, तो 20 ml पर kg आपको हर एक पर मतलब देना है, अगर 10 kg से ज़्यादा है तो। मैक्सिमम टोटल फ्लूड क्या होगा एक दिन में, 2400 ml आप दे सकते हैं। इसमें आप फ्लूड कैसे चॉइस करना है, इसमें देखिए डेक्सट्रोज दे रखा है, हाफ नॉर्मल सलाइन है 20 ml इक्वल पर लीटर है, इसमें KCl ये सब दे रखा है। मैक्सिमम फ्लूड रेट कितना होगा, 100 ml पर आर होगा, 0-10 kg में 4 ml पर kg पर आर देना है, 10-20 kg में 40 ml पर आर प्लस 2 ml पर kg पर आर देना है, और 20 से ज़्यादा होगा तो 60 ml पर आर प्लस 1 ml पर kg पर आर देना है। कॉम्प्लिकेशन देखिए यहाँ पे, इन्फेक्शन अगर रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, ड्रेनेज हो सकता है, साइट में चिल्स, फीवर, मैलेज, हेडेक हो सकता है, टिश्यू डैमेज क्या है, स्किन कलर चेंज हो सकता है, स्लगिंग ऑफ स्किन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट एट साइट। कॉम्प्लिकेशंस देखिए यहाँ पे, सेलिबाइटिस, हीट, रेडनेस, टेंडरनेस, नॉट हार्ड होगा, सोलन होगा, थ्रोम्बो सेलिबाइटिस हो सकता है, हीट, रेडनेस, टेंडरनेस, हार्ड एंड कॉर्ड लाइट वेन होगा। व्हाट टू डू इफ यू सस्पेक्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर रिएक्शन हो जाती है आईवी फ्लूइड में, अगर ये साइन दिखते हैं, फीवर, लैंग पेन, वाइटल साइन चेंजेस ये सब दिखते हैं, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, ट्रांसफ्यूजन को बंद करना होगा, आईवी लाइन को हमें नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के रिप्लेस करना होगा, फिजिशियन को बताना होगा, ब्लड बैंक में भी नोटिफाई करना होगा, और साइन एंड सिम्टम्स को हमें ठीक करना होगा, और हमें वाइटल साइंस भी लेते रहने होंगे। तो ये था हमारा आईवी फ्लूड हम कैसे देते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।